नैना भीगे भीगे जा रे खुशी राम आएंगे। खाना बना रही है, अंधेरा हो चुका है, लाइट भी चली गई, इन्होंने आग जला लिया चूल्हे में। जिस बहन के घर आए थे हम, जो बहन है हमारी, बहन बनी है, उन्होंने खाना लगाया है हमारे लिए। देखो राजस्थान में ऐसे रोटी देते हैं। दोस्तों जैसलमेर हम पहुंच गए थे, करीबन आधा घंटा हो गया हमें आए हुए। देखिए पसीना पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि आधे घंटे से हम रुके हुए हैं गाड़ी में। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी को वापस स्टार्ट कर रहे हैं, वापस अपने गाँव के लिए। अब देखते हैं कौन से रूट से आते हैं और GPS कौन सा रूट हमें दिखाता है, वो हम आपको रास्ते में दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, अब जैसलमेर हमने क्रॉस कर दिया है और यहाँ लिख रहा है उन्हें पधारे मंगल यात्रा शुभकामना नगर विकास न्यास जैसलमेर। अब हम जैसलमेर से निकल लिए, चलिए चलते कहाँ तक हम स्टे कर पाएंगे, गाड़ी चला पाएंगे शाम तक, वो मैं आपको दिखाऊँगा और वहीं जा कर के वीडियो हम एंड करेंगे। तो शाम का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, और एक बहन ने हमको बुलाया था अपने घर पर, वहाँ जा रहे हैं हम बहन के पास में, उनके बच्चे आ गए हमें लेने के लिए। राइट बहन थी वो सोडा कौर, उन्होंने बुलाया है हमको अपने घर, उनके घर जा रहे हैं हम, मिलके आएंगे उनसे। बड़ा सवरक्ष दिख रहा है इधर ही, ये पेड़ नहीं उधर वो ट्रैक्टर खड़ा है वो, यही घर है। अच्छा, दोस्तों बहन के घर आ गए हैं, बहन देख रही है। देखिए दोस्तों, इस गांव में हम आ गए हैं, एक बहन है और वो आ गई नीतू को लेने के लिए, और यहां पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। ये देखिए छोटा सा एक गांव है और इसका नाम है सोडा कौर गांव है। यहां पर भी देखिए पानी के टैंकर से पानी भरा जा रहा है इस समय पर, और हम यहाँ आ चुके हैं। चलिए चलते हैं बहन के घर पर चलते हैं। पहले सबसे पहले ये देखिए कितना गोल्डन कलर में बनाया हुआ है ये गांव। देखिए दोस्तों, जिस बहन के घर आए थे हम यहाँ पर रुके हैं। अच्छा दीदी, छोटी भाभी है, खाना बना रही है, ये इधर इनके घर रुके हैं हम, आज आए। इनका घर दिखाती हूँ एक बार मैं आपको। अच्छा इधर भी खाना मम्मी बनाया। अच्छा खाना बनाते हैं इधर, चूल्हा है। अच्छा देखिए राजस्थान में कैसे अच्छे बनाते हैं, मिट्टी का है ये, और इधर ये चूल्हा बनाया है इन्होंने, एक चूल्हा इधर है। मैंने ऐसे ही देखे हैं सबके, राजस्थान में दो दो चूल्हे बड़े बड़े रखते हैं। और वो कहाँ है गाय, कहाँ है गाय, गाय किधर है? गाय मेरी दूध गई, दो इन बार गाड़ दी। अच्छा आगे जाती है। अच्छा बछड़े उसमें बैठे। अच्छा अच्छा इधर है। हाँ। अच्छा अच्छा जूते पैर दो बताओ। मेरी मम्मी बनाया। अच्छा ये आपकी मम्मी ने बनाया है, देखो ये इनकी मम्मी ने ही बनाई है। ये दीवार है जो ऐसे मिट्टी से, गोबर मिट्टी से बना के ऐसे बनाते हैं राजस्थान में ज़्यादा। अरे ये इनका पशुपालन है इधर, पशु के खाना। हाँ हाँ यही खाते हैं ये, मूंगफली का और उसका होगा इस सबका। हाँ गेहूँ का, मूंगफली का, बाजरे का, सबका है। देखिए अच्छा देखिए ये मतलब उनका है, गाय बछड़ों का है, छोटे छोटे गाय और बछड़े इधर देखिए बंधे हुए हैं ऐसे इनका है। अच्छा बनाया है ये भी, मम्मी ने बनाया है आपकी ने। हाँ बहुत मेहनत का काम किया है। ये दोस्तों ये रोटी बनाने के लिए इनकी मम्मी ने बनाया है, ये धुआं निकलने के लिए बनाया है, धुआं पास हो। देखिए कितना अच्छा बनाया है, दिमाग से धुआँ निकले। ऐसे आगे से बैठ जाते हैं, चूल्हे के आगे बैठते हैं ये जब खाना बनाते हैं राजस्थान में। हमारे यहाँ ऐसे बैठते हैं, उधर साइड में बैठेंगे, चूल्हे के पास बैठते हैं जब बनाते हैं, आपके आगे को बैठते हैं। ये आग जला रही है, क्या बनाओगी? रोटी। रोटी रोटी बनाएंगी, खाना बना रही है। अंधेरा हो चुका है, लाइट भी चली गई, इन्होंने आग जला ली है चूल्हे में, कुछ दिखाई तो नहीं देगा बेचारी, अंधेरे में खाना बना रही है बैठ के। बच्चे खाना खाना बैठ गए, राजस्थान में ऐसे ज़मीन पर बैठ के खाते हैं। जिस बहन के घर आए थे हम, जो बहन है हमारी, बहन बनी है, उन्होंने खाना लगाया है हमारे लिए। ये भी सब्जी है और एक सब्जी ये है, और ऐसे देखो राजस्थान में ऐसे रोटी देते हैं।
घी और गुड़ डाल के, घी इतना डाला है कि थाली में, पूरी में घी घी है थाली में, और इधर ये इतनी ढेर सारी दही ला के रखा है कि ये खाना है। आप भी खा लो, आ जाओ, आओ बैठो, खिलाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, इन बहन ने जो खाना दिया था ना हमको, ये देखिए जो रोटी है ना, वो पूरी की पूरी घी में चुपड़ी हुई है। ये देखिए घी निकल रहा है ना इनमें से, ये निकल रहा है। ले प्यार से दे रहे हैं तो वो ले ले, मेहमान को देते हैं हम। चलो चल रही है, आएंगे फिर बाद में आएंगे, है ना? ठीक है, ओके बाय। ठीक है, मथुरा वृंदावन हम आएंगे जब आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब ये पूरा रोड सीधा ही जाएगा आपको, इसमें कुछ है नहीं, सीधा जाएगा रोड। हाँ, से आपको लेफ्ट टर्न होना है। वो तो हमें पता है, हम ये देख रहे हैं बीकानेर से जाएं, ओके नहीं जाएंगे हरियाणा होकर, हरियाणा होकर हरियाणा, तो ये यहाँ से आगरा होकर जाओ, जयपुर होकर आगरा होकर जाओ तो सही नहीं? नहीं, आगरा से पहले ही पड़े, आगरा से पहले ही पड़ जाएगा ना हमारा, पहले पड़ेगा मथुरा। अब बीकानेर होकर जाओगे तो फिर पंजाब आएगा बीच में? नहीं, पंजाब क्यों आएगा? हाँ बीकानेर से पंजाब आएगा, पंजाब आएगा। अच्छा अच्छा, मड़ी डबाली होके और फिर पंजाब आएगा, जैसे आप है ना ये अपना ये बठिंडा वगैरह इस साइड होके जाना पड़ेगा आपको। दोस्तों शीशा बहुत गंदा हो रहा है इस समय पर, और हम पहुंच चुके हैं रामदेवरा के पास में। फलौदी 4 किलोमीटर दूर है वहां से, फिर रामदेवरा है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम बीकानेर में आ गए रेलवे स्टेशन पर, और यहीं पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ये देखिए कैसी बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी बना रखी है, कुछ बच्चे भी बना रखे हैं बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर। एक ऊंट है, ऊंट पर एक कोई पर्यटक फोटो खींच रहा है, उसके आगे राजस्थानी एक भाई बहन खड़े हुए हैं। ये देखिए बीकानेर जंक्शन, ये है रात में, और नीतू अंदर सो रही है। जयपुर के रास्ते कोटा से आने वाली श्री गंगानगर, और गंगानगर श्री गंगानगर कौन सी आई है, वो ये है। अपने निर्धारित समय पर चल चुकी है, इसके यहाँ 4:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचने की संभावना है। May I have your attention please, train number 22981 Kota Hanumanagar Superfast Express from Kota via Jaipur to the next morning। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयपुर के नज़दीक, और इस समय पर रींगस से पहले एक जगह पड़ती है, बहुत ही फेमस तीर्थ धाम है खाटू श्याम। तो दोस्तों हम चल रहे हैं खाटू श्याम, ये देखिए। कल जब जा रहे थे तो वहाँ नागौर के पास में एक पड़ी थी छोटी खाटू, और ये आ गई खाटू श्याम धाम। ये देखिए श्री श्याम भक्त मंडल सीकर श्याम द्वार खाटू श्याम। चलिए खाटू श्याम जी के दर्शन करके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है खाटू श्याम 10 किलोमीटर तारा दांता रामगढ़ खाचरिया नावार रेनवाल पचार, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए चलते हैं खाटू श्याम के लिए। दोस्तों शीशा बहुत गंदा हो रहा है, परंतु फिलहाल हम आ चुके हैं खाटू श्याम, और ये देखिए मंदिर मार्ग, यहाँ बोर्ड एक लगा हुआ है मंदिर मार्ग। भैया अंदर गाड़ी चली जाएगी क्या? हाँ पता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने गाड़ी एक जगह पार्किंग में खड़ी कर दी है, और हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। मंदिर की रास्ता कितनी दूर है कितनी दूर नहीं है वो मेरे को पता नहीं है, पहले मैं कभी आया नहीं हूँ खाटू श्याम, पहली बार ही आया हूँ। और गाड़ी भी ऐसी जगह खड़ी की है जिन्होंने बोला था कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको आना है। दोस्तों इस जगह पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और ये एक होटल है, होटल का नाम है श्री श्याम
सुखदेव गेस्ट हाउस के नाम से है, जो बिल्कुल खाटू श्याम के अंदर है। राधे राधे भैया, क्या नाम है भैया आपका? हर्ष चार जी। अच्छा, और सबसे सस्ता इन्होंने होटल दिलवाया खाटू श्याम में, शायद आपको इतना सस्ता होटल नहीं मिलेगा जो इस नाम से है, खाटू श्याम जी और श्याम सुखदेव गेस्ट हाउस के नाम से, सुखदेव गेस्ट हाउस के नाम से ही हमारा रूम उन्होंने वो दिया है। सामने वाला कूलर चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ खाटू श्याम में ये हमने कमरा लिया है एक, ये देखिए एक कूलर चल रहा है। हाँ, दो दिन से चल रहा है, दो दिन से नहीं, छः दिन से चल रहा है। नहीं मतलब दो दिन दो रात तो लगातार घूमने चलते चलते। हाँ, और ये देखिए एक डबल बेड से भी बड़ा वो है, और एक पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर एक कूलर लगा हुआ है, और वैसे अच्छा है रूम, है ना, अच्छा है।